नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा आज जांच के दौरान नियम विरुद्ध चलते पाए जाने पर 9 बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें एक स्कूल बस भी शामिल है। इन बसों में फास्टेड वॉक्स, स्पीड गवर्नर और परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने के कारण कार्रवाई की गई। इसके अलावा परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा एक ट्रक बिना परमिट रीवा बाईपास पर चलता हुआ पाया गया, जिसमें मौके पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके अलावा एक वाहन MP-17 HH-28-10 माननीय न्यायालय के द्वारा मुक्त किया गया और उक्त ट्रक से 4 गुना शास्ति वसूल कर 38,800 रूपए का जुर्माना किया गया। आरटीओ रीवा निर्देशन में यह कार्रवाई परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा की गई। आज की गई कार्रवाई से 9,2500 रूपए की चालानी कार्रवाई कर शासकीय राजस्व वसूल किया गया। परिवहन सुरक्षा स्क्वाड रीवा द्वारा जांच के दौरान एक बस नियम विरुद्ध चलते हुए पाई गई, जिसमें आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई गई। इसके हिसाब ही बसों में किराया सूची स्पीड गवर्नर की जांच की गई। जांच के दौरान ही एक ट्रक UP-41-AT-2798 जिस पर रेत लोड थी, साथ ही ट्रक ओवरलोड पाया गया। मौके पर ट्रक के कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए, जिसे जब्त कर परिवहन कार्यालय रीवा में खड़ा कराया गया है। फास्टेड बॉक्स भी नहीं लगा हुआ इस गाड़ी में।